Everybody, welcome back to my YouTube channel. Hey, this is Himani Sharma and welcome to a brand new video. Brand new video, wow. मेरा last exam है 23 को, physical education का. ठीक है, और उसको मिले हैं 7 दिन पढ़ने के लिए. मतलब 7 दिन कौन देता है यार पढ़ने के लिए. ऐसे लग रहा है जैसे समर वेकेशन चल रही है. एनीवेज, कल है मेरा सेकंड लास्ट बोर्ड एग्जाम बायोलॉजी का और अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ. एंड ये तुम इधर देख रहे हो, ये इधर लगा हुआ है पूरा मेरा सिलेबस. इधर जितने भी तुम हाईलाइटेड चैप्टर्स देख रहे हो वो मैंने सेकंड टाइम रिवीजन, देखो 3 दिन की छुट्टियां थी तो 3 दिन में मैंने सारे चैप्टर रिवाइज कर लिए हैं. और ये मेरा अब लास्ट टाइम रिवीजन है कल के पेपर के लिए. ठीक है, मैं सारा रिवाइज कर रही हूँ अगेन. तो ये जो तुम हाईलाइटेड देख रहे हो ये ही अभी मेरे कंप्लीटेड हैं. अभी मुझे काफ़ी चैप्टर रह जाते हैं. और आज मैंने लेट भी पढ़ाई लेट ही स्टार्ट की थी, 4 बजे पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने. और ये चैप्टर मैंने 4 बजे से स्टार्ट किए हैं. तो हाँ जी, अभी मैं पढ़ रही हूँ. इट्स करंटली 9:30 PM. हाँ गाइज, एक और चीज़ मैं बोलने वाली थी. जो भी बच्चे अभी क्लास 11th में आ रहे हैं या क्लास 11th से 12th में आ रहे हैं तो वो मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं. मैं उनको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी अपने चैनल पे. लाइक मेरे बहुत अच्छे नोट्स मेरे पास हैं. मैंने अच्छे से सारे चैप्टर्स के ब्रीफली नोट्स बनाए हैं बहुत अच्छी तरह से. आई एम श्योर कि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. सो गाइज, यू कैन ज्वाइन माई चैनल मेंबरशिप. मेरे चैनल पे जाके तुम्हें एक ज्वाइन का बटन दिखेगा, वहाँ तुम्हें क्लिक करना है. फिर तुम्हें दो ऑप्शन दिखेंगे, वहां से तुम कोई भी चूज कर सकते हो. उसी टाइप में तुम्हें नोट्स भी मिलेंगे जिस तरह से तुम चूज करोगे. ठीक है, तो मैं उन बच्चों को अपने नोट्स प्रोवाइड करूंगी क्लास 11th के भी और क्लास 12th के भी, तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो. बहुत अच्छे नोट्स मेरे पास हैं क्लास 11th और 12th वालों के. सो या, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लो और तुम्हें बने बनाए अच्छे वाले नोट्स मिल जाएंगे. एंड वही मैं बोलना चाहती थी बहुत दिनों से. सो या, हेरिटेज. अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं किस कॉपी से पढ़ रही हूँ और मेरे नोट्स में मैं तुम्हें जस्ट एक एमओ दे देती हूँ कि कैसे मेरे नोट्स हैं और कैसे मैंने बनाए हुए हैं. सो लेट्स सी. ये मेरा चैप्टर 8th मैंने खोला हुआ है. ये तो दूसरी, मेरे पास 3 नोटबुक है, मतलब उनमें सारा सिलेबस मेरा कंप्लीटेड है. और ये मेरी एक और नोटबुक है जिसमें मैंने और नोट्स बनाए हैं काफ़ी अच्छी तरह से, बिल्कुल क्लीन राइटिंग में मैंने बनाए हैं. तुम्हें सारे समझ भी आ जाएंगे. सो तुम मेरे चैनल की मेम्बरशिप फटाफट से ज्वाइन कर लो दोस्तों. तुम्हें इतने अच्छे नोट्स कहाँ ही मिलेंगे, मतलब इतने मेहनत से मैंने ये नोट्स बनाए. लाइक इतनी मेहनत से मैंने ये नोट्स बनाए थे इतने प्यार से. तो यार अभी ये काम तो आ ही रहे हैं. और मैंने एक और चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, जो चीज़ें भी लाइक चैप्टर में इंपॉर्टेंट होती है उनको मैंने उसके साथ में स्टार भी लगाया होता है तो तुम्हें उससे भी पता लग जाएगा. लाइक मैं बता देती हूँ, या मैंने वो चीज़ें हाईलाइट की होती है जो इम्पॉर्टेंट होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम देख सकते हो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट करके रखी हैं. और कईयों को मैंने स्टार लगाए होते हैं तो तुम्हें ऐसे पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है उस चैप्टर में. एंड या, ये मेरे नोट्स हैं, ये 2 कॉपीज़ हैं और इसके साथ में 3rd one इधर भी है. ये तीसरी वाली नोटबुक है, इतनी बड़ी. इसमें भी मेरे सारे ब्रीफली वाले अच्छे, देख लो तुम, एक डेमो दिखा देती हूँ मैं तुम्हें. ऐसे नोट्स हैं मेरे. सो यू गाइज कैन ज्वाइन माई चैनल की मेम्बरशिप फॉर दीज नोट्स. और अभी हम पढ़ लेते हैं अपने पेपर के लिए, लेट्स गो. ओके, सो मैंने रात को काफ़ी देर तक पढ़ाई की थी बायोलॉजी का, काफ़ी सिलेबस मैंने रात को कंप्लीट कर लिया था. ये तुम देख रहे हो पीछे जो कागज़ लगा हुआ है उसमें काफ़ी चैप्टर मैंने हाईलाइट कर दिए थे. तो फिर आई डिसाइडेड कि मुझे सो जाना चाहिए. मैं अराउंड 1:30 AM के मैं सोने चली गई थी क्योंकि मेरे से और नहीं बैठा जा रहा था पढ़ने के लिए. इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सोने जाती हूँ और सुबह मैं 2 घंटे बाद जल्दी उठ जाऊँगी. सो दैट्स व्हाट आई डिड. ओके, तो उसके बाद में मैं डायरेक्टली सोने चली गई. सबसे पहले मैंने लगाए थे 3-4 अलार्म. 3-4 इसलिए क्योंकि कहीं जल्दी जल्दी मैं एक अलार्म ऑफ भी कर दूँ तो दूसरा हो. और मैंने यहाँ पे तुम्हें ऑलमोस्ट 3:56 का टाइम दिखाया. वैसे मैं उठी थी 3:30 पे और उसके बाद मैंने सीधे पढ़ाई स्टार्ट कर दी ताकि सारा फोकस मेरा पढ़ाई पे रहे. मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया. इट्स करंटली 7:00. 7:20 तक मैं पढ़ूंगी, उसके बाद में मैं रेडी होंगी स्कूल के लिए. हाँ, मैं जल्दी रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मेरा जो पेपर है वो स्टार्ट बहुत जल्दी हो जाता है. 8:45 पे हमें क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, मतलब 8:45 पे हमारा पेपर स्टार्ट हो जाता है, हमें क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं. तो मुझे 7:00 या 7:30 पे उठना पड़ता है रेडी होने के लिए. रात को 2 घंटे की नींद मैंने ली. आई स्लेप्ट एट 1:30 AM और 3:30 के अराउंड में उठ गई. आज का पेपर, उसके बाद मैं घर आके तो डायरेक्टली सो जाऊंगी. ये कुछ यहाँ पे मैं डायग्राम्स वगैरह प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट ये मैंने रफ जैसे बनाए थे और इनको अभी मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ. ये रही ओवरी, तो हाँ इनको मैं प्रैक्टिस करूँगी. थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज करने वाली हूँ. मैं अभी डायग्राम प्रैक्टिस करूँगी, ये ओवरी वाला शॉर्ट नोट्स पढ़ूंगी एंड दैट्स इट.
ठीक है, मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अभी मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, डायग्राम ही पढ़ूंगी ये वाले। कि यार ऐसा एजुकेशन सिस्टम है ना कि भाई बच्चे पागल हो जाएंगे पढ़ पढ़ के, दिमाग खराब हो जाएगा उनका, ऐसा एजुकेशन सिस्टम है। सारा मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, अभी मैं रिवाइज कर ही रही हूँ, मेरे को डायग्राम्स रहते हैं, सारा तो मैंने कर ही लिया है। हाँ यार वो तो पढ़ा ही होता है। अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैंने कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ये फोर्थ चैप्टर नहीं हो पाया मेरे से, ये मैंने बड़े बड़े जो मेन थे वो मैंने कर लिए। सेकेंड यूनिट में मेरा एवोल्यूशन रह जाता है, थर्ड यूनिट में मेरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज रह जाता है, और इधर मेरी ये 3 चैप्टर रह जाते हैं। आई डोंट नो क्या होने वाला है यहाँ पे। मैंने ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो ये वाला सबसे ज़्यादा था, इसमें मेरे को एवोल्यूशन रह जाता है, वो थ्योरीज वगैरह पढ़ लूँगी इससे मैं अभी, और ऊपर ऊपर से रिवाइज़ कर लूँगी क्योंकि रिवाइज़ तो करना ही पड़ेगा यार जैसे तैसे। मन हेल्थ एंड डिजीज़ के मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं, इनको मैं रिवाइज़ कर लूँगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे डिजीजेज़ मैंने लिखे हुए हैं, उनकी एंटीबायोटिक्स हैं, तो यहाँ से मैं पढ़ लूँगी। बाकी यही पढ़ने वाली हूँ इस चैप्टर के लिए मैं, और एवोल्यूशन के लिए मैं थ्योरीज़ पढ़ के जाऊँगी। और इसका हो गया, इसका हो गया, देन इसका मैं फूड वेब और वो फूड चेन पढ़ लूँगी, इसका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मैंने अच्छे से 2-3 बार, बट मैंने इसको रिवाइज़ नहीं किया है। बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर इज़ ईजी, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है वो बिना पढ़े भी मैं कर सकती हूँ, तो बस यही है मेरा मेन जो भी है। ठीक है, तो ये मेरा एम है, क्योंकि भाई अगर तुम सोचते हो ये कम है, बिल्कुल भी कम नहीं है साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, इतना सिलेबस होता है, ऊपर से थ्योरी, ये छोटे बच्चे वाले काम नहीं है। अभी भाई एक नोटबुक में तुम्हारे नोट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है, 3-3 नोटबुक के हैं। जो भी बच्चे अभी आ रहे हैं 11th में, खुद को प्रेशराइज मत करना गाइज, आराम से पढ़ना बिल्कुल, और प्रेशराइज मत करना 12th वाले बच्चे भी, क्योंकि मुझे पता है यार बच्चे कितना स्ट्रेस ले लेते हैं। इनफैक्ट मैं भी लेती थी, अब मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि आई नो मार्क्स कहीं काम नहीं आते हैं, मैंने देख लिया है। 10th का रिजल्ट इतना अच्छा लेके भी कहीं काम नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा है। सो कोई नहीं पूछता यार, अगर आगे तुम अच्छी जॉब लग जाते हो तो कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, तो प्रेशराइज मत करो। चलो लेट्स गो, स्कूल चलते हैं गाइस। सो मैंने सारा रिवाइज कर लिया है, पीछे देखो 3 चैप्टर मैं छोड़ के जा रही हूँ, इट्स ओके, मैंने जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर है वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं, एंड आई एम गुड टू गो। और मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही क्योंकि यार आज सेकेंड लास्ट एग्जाम है, ऐसा सोचो तुम लास्ट ही है, क्योंकि यार फिजिकल का पेपर भाई उसके लिए टेंशन तो कौन लेता है। अभी मैं थोड़ी देर म्यूजिक लगाने वाली हूँ, और यस गाइस, तो अभी हम जल्दी से फटाफट से एक ट्रांजिशन कर लेते हैं यूनिफॉर्म चेंज का। यस सो गाइज, मैं स्कूल से आ गई हूँ, मेरे को ट्रांजिशन बनाने का टाइम नहीं लगा, बट एनी वेज मैं स्कूल से आ गई हूँ, और मेरा पेपर वेंट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा, मेरा पेपर बहुत अच्छा रहा। हाँ मेरा क्वेश्चन पेपर, मेरे को आई थी सीरीज बी, एंड मेरा पेपर बहुत अच्छा रहा। आई एम वेरी सेटिस्फाइड जो भी मैं करके आई हूँ, जो भी मैं लिख के आई हूँ। मैं तुम्हें सच बताती हूँ हमेशा, तो मेरा एक MCQ गलत हो गया है, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैं छोड़ के आ गई हूँ, क्योंकि वो आया था एवोल्यूशन वाले चैप्टर से, जो कि मैं अच्छे से रिवाइज करके नहीं गई थी क्योंकि सुबह मेरे को टाइम नहीं लगा था, तो वो आया था यार, उसको मैं छोड़ के आ गई हूँ। बट एनी वेज उसको छोड़ के सारे क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करके आई हूँ, तो भाई बहुत अच्छा मेरा पेपर गया। एंड मेरा एक बोर्ड एग्जाम रहता है फिजिकल एजुकेशन का, जो कि है 23 मार्च को, वहाँ देखो आज यहाँ पे कट लग जाएगा बायोलॉजी पे, ठीक है, जो कि है 23 मार्च को, और मेरे पास 7 दिन है उस पेपर के लिए प्रिपेयर करने को। लिटरली मैं रात को 2 घंटे सोई हूँ, और सुबह मेरी तबीयत, मैंने तुम्हारे साथ बात भी की थी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था स्कूल जाने का, बट मैं गई क्योंकि इस पॉइंट पे ना एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे, तो मैं गई और मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। एंड या आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड जो भी मैं करके आई हूँ, एंड फाइनली यार मेरी स्कूल लाइफ एंड हो रही है, मैं 12th कर बैठी हूँ, मतलब एक बोर्ड एग्जाम रहते तो ऑलमोस्ट हो ही गई मतलब 12th, और यार मैं बड़ी हो गई हूँ, ऐसा लग रहा है कि यार मतलब पता नहीं, पहले ऐसा लगता था 12th में अभी कि हम छोटे बच्चे ही हैं, अभी अब स्कूल से निकल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने बड़े हो गए, तो यार बड़ी तो मैं हो गई, +2 से निकल रही हूँ तो ऑफकोर्स बड़ी हो गई हूँ मैं। यस सो माई पेपर वेंट रियली वेरी गुड, और राइट नाउ आई एम सो टायर्ड, मेरे सिर में लिटरली मेरी आंखें भारी हो गई है क्योंकि मेरे को नींद लगी है, तो यार मैं सीधे जा रही हूँ सोने, क्योंकि अभी मैं लिटरली अपने रूम में थी और मैं इधर बेड पे ऐसे ही सो गई थी भाई, ऐसे ही सो गई थी क्योंकि मैं सोच रही थी, मैं एनालाइज कर रही थी कि मैं क्या कैसे किस में सब कुछ किया, और कैसा मेरा बोर्ड एग्जाम का जो पूरा एक महीना था वो मैंने कैसे बिताया, और कितना हार्डवर्क किया, स्लीपलेस नाइट्स। तो यार टेंशन ही लेनी है, रिजल्ट सबका अच्छा आएगा, और यार अगर नहीं भी है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी लाइफ की सारी अपॉर्चुनिटीज उस नंबर पे ही डिपेंड करती, कोई नहीं पूछता है, मैं अपने 10th के बेसिस पर तुम्हें बता रही हूँ, कोई नहीं पूछता परसेंटेज, बाकी अगर तुम एम कर रहे हो उसके लिए तो यू कैन डू इट, क्योंकि मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ,
बाकी यार मैं नहीं कर रही हूँ एम, क्योंकि मैं हूँ चिल माइंडेड, मेरे से नहीं पढ़ा जाता इतना ज़्यादा कि मैं पढ़ूँ और 95% लाऊँ राइट नाउ। वैसे तो मैं चिल ही रहती हूँ, टेंथ में भी मैं बिल्कुल चिल थी, तभी मेरी इतनी परसेंटेज भी आई थी। मैंने लिटरली 1 month की प्रिपरेशन में वो सब किया है। हाँ, मैं एक और वीडियो लेके आने वाली हूँ, गाइड करने वाली हूँ क्लास 10th वालों को कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है और कितना चिल करना है, कैसे तुम्हें टाइम मैनेज करना है, 11th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए भी जिनका भी अभी नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, उनको मैं गाइड करने वाली हूँ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर, मैंने कैसे कैसे तैयारी की थी। और अगर तुम मैं तुम्हें बताऊँगी कि मैंने क्या गलतियाँ की अपनी 11th में 12th में, वो सारी तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ। सो या तो मैं एक परांठा खा के गई हूँ, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। स्लीप शेड्यूल से लेकर खाने का शेड्यूल, हर चीज़ का शेड्यूल खराब हो रखा है मेरा, तो फाइनली ठीक हो जाएगा यार, खुश हो जाओ, मेरे पेपर खत्म हो गए। करंटली 7 o'clock और मैं दो घंटे की नींद मैंने ले ली थी, अच्छे से मैं सोगी और रात को भी मेरे को अच्छे से सोना है, क्योंकि कल हम जा रहे हैं कहीं पे घूमने, ठीक है, फैमिली ट्रिप है। सो हम जा रहे हैं, दूसरे चैनल पे व्लॉग आएगा, बोलूँगी नहीं मैं, बोल के अभी नहीं बोलूँगी, दूसरे चैनल पे व्लॉग आएगा। और यस गाइस, सो कल हमें घूमने भी जाना है तो जल्दी सो जाएंगे और सुबह जल्दी उठना भी पड़ेगा, जल्दी जाना है हमें, तो यस कल हम जाने वाले कहीं भी घूमने। एंड राइट नाउ मैं करने वाली हूँ अपनी डेस्क की क्लीनिंग, क्योंकि ये सारे पोस्टर जो है ना, पोस्टर तो रहने दो बट ये सारे मेरे को यहाँ पे क्लीन करना है, बुक्स ही बुक्स पड़ी हुई हैं, जितने भी एग्जाम मेरे हो गए हैं उन सारे सब्जेक्ट की बुक्स मेरे को अच्छे से निकाल के अलग, लाइक ये वाला जो कबर्ड रहता है डेस्क का वो पूरा फुल हो चुका है, तो मैं बस इसको क्लीन करने वाली हूँ, जितना भी यहाँ पे फालतू की बुक्स, फालतू तो नहीं है बट यहाँ से मैं इसको सारा क्लीन करने वाली हूँ। मेरे को ये सारी बुक्स उठानी है दूसरे रूम में शिफ्ट करनी है, यहाँ पे मेरी इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगी जो मेरे को आगे भी यूज़ करनी है, और मेरे को इधर डेस्क भी क्लीन करना है, यहाँ पे मेरी बायो की बुक्स हैं और ये सारी बायो की मेरी बुक्स हैं, एंड इधर भी मेरा बहुत कुछ सामान पड़ा हुआ है नीचे भी, तो ये सारा मेरे को क्लीन करना है। अप्रॉक्सीमेटली 1 hour लग जाएगा इस सारे काम को करने के लिए, ये काम करने वाली हूँ अभी मैं बोर्ड्स के बाद में। तो मैंने सोचा कि अपना डेस्क मेकओवर कर लेते हैं, एक म्यूजिक लगाने वाली हूँ क्योंकि ऐसे 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 मजा नहीं आता काम करने का। I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated, you better hope that you never see me. ओके गाइस, सो फाइनली मेरी पूरी इधर अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है, मैंने लाइक डेस्क पे क्लीनिंग की, सारी चीज़ें अच्छी तरह से रखी, और उसके नीचे मेरे यहाँ पे लाइक कुछ बुक्स वगैरह थी और पेजेस वगैरह थे, वो सारे मैंने उठाए, और इधर मैंने क्लीनिंग की, यहाँ से सारी जितनी भी बुक्स लाइक जो मुझे यूज़ नहीं करनी थी वो सारी मैंने निकाल दी, और ये जितने भी बुक्स हैं ये मेरी आगे भी यूज़ होने वाली हैं और ये मैंने इधर रख दी हैं। ये आ जाती है फिज़िकल की बुक्स इधर, और इसके नीचे जितने भी और बुक्स मेरी यूज़ होने वाली हैं वो मैंने रखी हैं। इधर मेरा बाकी का सामान, पेन्स वगैरह, किट वगैरह, ये वो सारे ब्लैंक पेजेस हैं जिन पे मैं प्रैक्टिस करती थी, तो ये अभी भी बहुत सारे रह जाते हैं, इनको मैं आगे यूज़ कर सकती हूँ। तो मेरी कुछ नोटबुक्स पूरी फिल नहीं हुई थी, उसमें कुछ पेजेस रह जाते थे, इनफैक्ट बहुत सारे रह जाते थे, तो मैंने उसमें से सारे ब्लैंक पेजेस निकाल दिए जो कि यूज़ नहीं किए हुए हैं, इतने सारे पेपर्स हैं तो इनको मैं यूज़ कर सकती हूँ अब मेरे रफ़ वर्क के लिए, एंड या इनको मैं यूज़ कर सकती हूँ। और जो बाकी की नोटबुक्स हैं उनको मम्मा से पूछते हैं कि कहाँ रखनी है, और यस ये सारे जो पेजेस हैं इनको मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ, फिर इसको हम रखेंगे इधर, और फाइनली फिर हमारा डेस्क अच्छे से क्लीन हो गया। ये पोस्टर्स वगैरह यहाँ से मैंने मैक्सिमम पोस्टर्स निकाल दिए हैं क्योंकि वो निकल रहे थे ऑलरेडी, तो मैंने इनको भी मैंने अच्छी तरह से लगाया डबल साइडेड टेप की हेल्प से, और यहाँ पे मेरे मैक्सिमम चीज़ें रहती हैं, या तो मेरा फिजिकल का सिलेबस है एंड यहाँ थोड़े बहुत जो भी पोस्टर्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं, ये डेटशीट है वगैरह वगैरह जो भी है। सो यस, ये मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है यहाँ फ्रंट पे भी, और यहाँ आ जाता है मेरा डेस्क एंड उस पर भी मैंने क्लीनिंग कर ली। 8:11 हो चुके हैं, मैंने 7 o'clock काम करना स्टार्ट किया था और अप्रॉक्सीमेटली 1 hour मुझे लग गया इस सारे काम को करने के लिए। भाई देखो, जितना भी फ्लोर मैंने गंदा किया हुआ है वो मैं साफ़ करने वाली हूँ, पूरे बेड पे भी बुक्स ही बुक्स हैं, मेरी नोट्स की कॉपीज़ बेड पे पड़ी हुई हैं, सारी क्लीनिंग मुझे करनी है, तो फिलहाल इनको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, पूरा डेस्क अच्छी तरह से क्लीन करते हैं, उसके बाद में वो बुक्स उठाएंगे बेड के ऊपर से, और उसके बाद में ये सारा जितना भी नीचे गिराया मैंने उसको उठाएंगे। सो लेट्स गो।
तो उसके बाद में मैंने अपना फुल डेस्क क्लीन किया, पूरा फ्लोर क्लीन किया, उसके बाद में मैंने डिनर किया एंड आफ्टर दैट मैं सोने चली गई क्योंकि मुझे नेक्स्ट दिन भी जल्दी उठना था. सो दैट्स व्हाट आई डिड एंड आई होप गाइज यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वन एंड इफ़ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर और कमेंट डाउन बिलो हाउ यू लाइक माई वीडियो एंड आई विल मीट यू गाइज डायरेक्टली इन माई नेक्स्ट वीडियो. You ain't see me acting.